मैं आपको ये बता रही हूँ कि सब्जेक्ट हमारा दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, ही शी इट राम सीता आई, और प्लूरल में सब्जेक्ट यूज करते हैं दे यू वी राम एंड सीता। तो इसमें पहले हम लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, अदर इज प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा क्या है, ही शी इट राम और आई। अब हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा बेसिकली क्या क्या आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा आता है ही शी इट राम एंड आई। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट कितने टाइप का है। सब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट, वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, अदर इज प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में है हो जाएगा हमारा ही शी इट राम एंड आई, एंड प्लूरल सब्जेक्ट देंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, दे यू वी राम एंड सीता, प्लूरल मोर देन वन, उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट, दे आ दे यू वी राम एंड सीता, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों में हम लोग डिफरेंशिएट जान लिए। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है।